अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. लाइटनिंग कंडक्टर्स आर यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट लाइटनिंग कंडक्टर्स. तो ऑप्शंस में बाद में जाएंगे. क्या होता है लाइटनिंग कंडक्टर? तो एक ऐसी डिवाइस है जो हाई बिल्डिंग्स को लाइटनिंग स्ट्राइक से प्रोटेक्ट करती है. लाइटनिंग को हिंदी में कहते हैं तड़ित, आम बोलचाल में हम उसे कहते हैं बिजली कड़कना. तो हाई बिल्डिंग्स को लाइटनिंग स्ट्राइक से प्रोटेक्ट करने का काम होता है लाइटनिंग कंडक्टर्स का. क्या होता है ये? तो यहां मैंने वो लाइटनिंग कंडक्टर दिखाया हुआ है. इसमें थिक कॉपर का वायर होता है जिसे जमीन में बहुत नीचे गड़ा देते हैं. कॉपर प्लेट लगी होती है. तो यह है कॉपर वायर डीप बरीड इनसाइड द अर्थ. और इस बिल्डिंग के टॉप पर यहां एक मेटालिक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसमें ये स्पाइक्स दिखाए हुए हैं, नुकीले सिरे होते हैं उसके. अब बादल मैंने यहां शो कर रखा है. बादल फ्रिक्शन से चार्ज हो जाते हैं. तो ऐसा मैंने एक क्लाउड लिया है जिस पर नेगेटिव चार्ज है. अब यदि ये लाइटनिंग कंडक्टर यहां नहीं होता तो ये चार्जेस बिल्डिंग के थ्रू ग्राउंड में अर्थ में फ्लो होते और इससे ये बिल्डिंग डैमेज हो सकती थी. इंस्टेड हमने लगा दिया यहां लाइटनिंग कंडक्टर. अब क्या होगा? ये जब नेगेटिवली चार्ज क्लाउड इस लाइटनिंग कंडक्टर के पास आएगा तो इंडक्शन से इन स्पाइक्स पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज भी प्रोड्यूस होगा. वो इस कॉपर वायर के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा. अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज जब इकट्ठा होता रहेगा इन स्पाइक्स पर, तो नुकीले सिरे हैं ये, तो यहां बहुत लार्ज वैल्यू की फील्ड प्रोड्यूस होगी. आपने सुना होगा चार्ज लीक्स फ्रॉम शार्प पॉइंट्स. तो यहां शार्प पॉइंट्स हैं, यहां चार्जेस यदि प्रोड्यूस होंगे तो फील्ड बहुत ज्यादा, इससे आसपास की एयर आयोनाइज हो जाएगी. मतलब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, आयंस. इसमें से ये नेगेटिव चार्जेस जो होंगे इन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करेंगे और ये पॉजिटिव चार्जेस, ये नेगेटिव चार्जेस ने स्पाइक्स पर के पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज किया और ये पॉजिटिव चार्जेस इस बादल के क्लाउड के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे और इस तरह वो बादलों के चार्ज का इस बिल्डिंग से होकर जाने का खतरा खत्म हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज आसानी से बह पाएगा ग्राउंड में क्योंकि ये थिक कॉपर का वायर है. इस तरह ये लाइटनिंग कंडक्टर प्रोटेक्ट करता है हाई बिल्डिंग्स को लाइटनिंग स्ट्राइक से. अब ऑप्शंस में देखेंगे तो आपको 3 और 4 करेक्ट महसूस होंगे. लाइटनिंग कंडक्टर्स टेक ऑल चार्जेस टू डीप डाउन टू द अर्थ. तो ये तो अभी हमने आपको समझाया. लाइटनिंग कंडक्टर्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड एट अ प्लेस टॉलर देन द बिल्डिंग. तो ये आपने देखा बिल्डिंग के टॉप से भी ऊपर होता है वो लाइटनिंग कंडक्टर, वो स्पाइक्स. ये दोनों ऑप्शंस रॉन्ग है. पहले में क्या लिखा हुआ है? लाइटनिंग कंडक्टर्स क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स टॉप. ये तो बात सही है पर ये बात गलत लिखी हुई है. सो दैट द लाइटनिंग स्ट्राइक्स इट प्रिफरेंशियली. तो ऐसा नहीं है कि लाइटनिंग कंडक्टर हम बादलों को अट्रैक्ट करने के लिए, लाइटनिंग को अट्रैक्ट करने के लिए लगाते हैं. तो ऑप्शन गलत है. लाइटनिंग कंडक्टर्स रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्ट्राइक बाय यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग द चार्ज ओवर द सरफेस ऑफ द बिल्डिंग. ये बिल्कुल ही गलत है. तो लाइटनिंग कंडक्टर आपको समझ में आया होगा. 3 और 4 आर करेक्ट और इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर लिखा हुआ था तो 3 और 4 आर करेक्ट. इसे कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर. अभी अगला क्वेश्चन. अ सिंपल सर्किट कंटेन्स अ 12 वोल्ट बैटरी एंड अ बल्ब हैविंग 24 ओम रेजिस्टेंस. व्हेन यू टर्न ऑन स्विच द एमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट वुड रीड. आंसर क्या होगा? यह है रेजिस्टेंस, यह है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज. तो V by R is equals to I. तो 12 by 24 यानी 1/2. आंसर is 0.5 एम्पियर. पर इसको और अच्छे से हम समझते हैं, एमीटर वगैरह क्या होता है, इस बहाने आपको मैं ये भी समझा देता हूं. तो पहले तो यहां ध्यान दें, बैटरी लिखा हुआ है मतलब ये डीसी सर्किट है. अब एमीटर क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर आपने सुना हुआ होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पर बेस्ड एक डिवाइस होती है. इस गैल्वेनोमीटर के आर्मेचर का रेजिस्टेंस है जी और गैल्वेनोमीटर की आर्मेचर के साथ जब लो वैल्यू रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इस लो वैल्यू रेजिस्टेंस को कहते हैं शंट, तब हमको मिलता है एमीटर. यानी एमीटर बनाने का तरीका क्या है? ये डीसी एमीटर है. गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ या आर्मेचर के साथ लो वैल्यू रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. अब इसका रेजिस्टेंस यदि 100 ओम है, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये है 2 ओम, तो जो इक्विवेलेंट होगा एमीटर का वो 2 से भी कम हो जाएगा. पैरेलल में इक्विवेलेंट लेसर देन लीस्ट होता है.
तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। यानी याद रखें कि एमिटर लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। दूसरी बात, एमिटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इसी सर्किट की यदि हम बात करें तो 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी है और एक रेजिस्टेंस है 24 ओम का। अब एमीटर को सीरीज में लगाएंगे यदि सर्किट का हमको करंट फाइंड करना है। करंट इस तरह फ्लो होगा और करंट आएगा कैसे, तो जैसे अभी हमने फाइंड किया था I बराबर V 12/24। पर यहां हम कुछ गलती ही कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं कि अब इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट है वो 24 नहीं है, बल्कि इस एमीटर का भी यदि कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो वो भी यहां आया करेगा। इसको हम लिख लेते हैं आर डैश। पर जैसा मैंने कहा कि एमीटर का रेजिस्टेंस होता है नेग्लिजिबल और इसलिए ये वैल्यू बहुत कम होगी और इसीलिए हम आंसर कर पा रहे हैं हाफ एम्पियर के बराबर। तो आइडियली एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, जीरो। जैसे यहां मैंने लिखा है लो रेजिस्टेंस, पर आइडियली इसका रेजिस्टेंस होता है जीरो के बराबर। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आंसर करना है जीरो। फिर एमीटर को हमेशा सर्किट में किस तरह लगाते हैं, सीरीज में। दूसरी बात, एमीटर किस तरह बनाया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर की आर्मेचर के साथ लो वैल्यू रेजिस्टेंस जिसको शंट कहते हैं उसे कनेक्ट करने पर बनता है एमीटर। इसी गैल्वेनोमीटर के साथ यदि हाई वैल्यू रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देंगे तो फिर वो वोल्ट मीटर बन जाता है, जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। तो हाल फिलहाल इस एमीटर के रेजिस्टेंस को हमने जीरो रिगार्ड किया और फिर 24/12 करके आंसर किया 0.5 एम्पियर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री रेजिस्टर्स विद मैग्नीट्यूड्स 2, 4 and 8 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम वुड बी। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब पैरेलल में हम तीन रेजिस्टर्स कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट जो आएगा वो लेसर देन लीस्ट होता है, मतलब इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे भी कम आएगा यदि हम इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो आंसर क्या होगा, लेस देन 2 ओम। तो बगैर सॉल्व किए भी आप इसको बता सकते हैं। इन्हीं रेजिस्टर्स को यदि सीरीज में कनेक्ट करते तो इक्विवेलेंट कैसा आता, लार्जर देन लार्जेस्ट, मतलब जो इसमें से लार्जेस्ट इंडिविजुअल है उससे भी ज्यादा, यानी रेजिस्टेंस आएगा 8 से भी ज्यादा। और सीरीज में तीनों ऐड करेंगे 8, 4, 12 और 2, 14, यानी टोटल रेजिस्टेंस होगा 14 ओम यदि इन्हें सीरीज में कनेक्ट करेंगे। पैरेलल में यदि आपको सॉल्व करना पड़े तो क्या करेंगे, 1/R = 1/2 + 1/4 + 1/8। इसमें एलसीएम लेना होगा और फिर रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा आंसर को। इंस्टेड आपको ऐसा करना चाहिए, आर इक्विवेलेंट बराबर आप लिख लें 2P4P8। ये हमने कोडिंग किया हुआ है, कहने का मतलब यह है कि 2 in parallel with 4 in parallel with 8, और इनमें से किन्हीं दो को सॉल्व कर लें। और दो रेजिस्टर्स यदि पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट होता है प्रोडक्ट अपॉन सम, R1 R2 upon R1 plus R2। ये काम हमको यहां कर लेना चाहिए, तो 32/12 ऐसा हो जाएगा 2P 32/12। ऑब्वियसली 16 और ये कितनी बार कटेगा, 6 बार, 16/6 मतलब 8/3। तो 2P 8/3 को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 into 8/3 upon 2 plus 8/3। तो कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर में, 8 और 6 14 14/3, ऊपर हो जाएगा 16/3, ये 3 कैंसिल आउट हुआ, 16/3 मतलब 8/7। ऑब्वियसली ये कैसा है, लेस देन 2 ओम। तो हालांकि आपसे आंसर पूछा नहीं था कि कितना होगा, सिर्फ ये पूछा था कि वो लेस देन 2 होगा, 4 होगा, 14 होगा, मोर देन 2 होगा। तो आंसर इज लेस देन 2 ओम। तो फिर से मैं बोल देता हूं, जब रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट आता है वो लेसर देन लीस्ट होता है, यानी 2 से भी वो कम होगा। जब आंसर निकालने का हो तो ये आप कर सकते हैं, तीन रेजिस्टर्स यदि पैरेलल में हो तो इस तरह लिख लेना चाहिए, दो के लिए ये फॉर्मूला लगाना चाहिए, R1 R2 upon R1 plus R2। सॉल्व करते जाएं आपको आंसर मिल जाएगा। पूछा होता कि कितना होगा, तो आंसर होगा 8/7 ओम।